ललितपुर पुलिस ने इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश गैंग रेप का आरोपी है जो लंबे समय से फरार था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और 8 कारतूस बरामद किए हैं। ललितपुर पुलिस ने एक गैंग रेप के इनामी बदमाश को असलाह सहित दबोचने में सफलता हासिल की है। बताया गया है कि देवेंद्र सिंह निवासी मैनवार गैंग रेप का आरोपी है। युवक ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के मालथौन में एक नृत्यांगना के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था। वहां की पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई थी। इसके साथ ही आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित है। जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धर पकड़ अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक अदद तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अपराधी जो कि माय क्राइम ब्रांच की टीम ने और चौकी इंचार्ज नेहरू नगर ने इसको गिरफ्तार किया है। इस पे जनपद सागर में इस पे मुकदमा कायम था क्षेत्र डी का, जिसमें इसने गैंग रेप किया था। इसके अन्य साथी भी थे। ये तो सब फरार चल रहा था क्योंकि ये जुलाई से फरार चल रहा था और इसको कल हमारी टीम ने गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से 315 बोर का तमंचा और 8 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।